शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्या बाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं मालेराव की कार्य प्रणाली देखकर खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन टिकी न रह सकी। दुख की स्याह बदलियाँ मेरे जीवन आकाश पर फिर से मंडराने लगी थी। मालेराव अस्वस्थ रहने लगे थे। राजवैद्य उन्हें औषधियाँ दे रहे थे। उनके लिए मंदिर में मेरे जब तक पूजा चालू थे, वे दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। खुद की अस्वस्थता से वे परेशान रहने लगे थे। मुझसे पूछते, आई साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मैं उनका सिर सहलाती, उनके सिरहाने बैठती, उन्हें दिलासा देती। लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? 22 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं बिलख उठी, हे सिद्धेश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने अभी कहीं निश्चिंतता की सांस ली थी कि मालेराव राजकाज में, धार्मिक गतिविधियों में, युद्ध नीति में रुचि लेने लगे थे, लेकिन नियति को मेरा निश्चिंत होना मंजूर नहीं था। उसने फिर मेरे हृदय पर एक और नश्तर चला दिया। होलकर वंश की तीसरी पीढ़ी का अंत हुआ। सिर्फ 8 महीने सूबेदारी के राजसी वस्त्र पहने थे मालेराव ने। मालेराव की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। मैं कैसे अपने दुख को शांत करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार सिद्धेश्वर को याद कर रही थी, हे शिव जी, मुझे दुख सहन करने की शक्ति दो। परंतु शरीर से जैसे प्राण निकल रहे थे। मैं स्वयं को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि कक्ष के बाहर मुझे स्त्रियों का हृदय भेदी करुण विलाप सुनाई दिया। ये कैसा विलाप था जो हृदय को गहरे तक छूकर पीड़ा दे रहा था। मैंने सेविका को कहा, देखो जरा कौन है कक्ष के बाहर। हरकुबाई सासू माँ ने भी कहा, जाकर उन्हें कक्ष में लेकर आओ, कोई बहुत ज़्यादा व्यथित है। माँ साहब, आपके दोनों समधी आपकी बहुरानियों के साथ आए हुए हैं। आपकी सुनबाई मैनाबाई साहब और पीरताबाई साहब रो रो कर बेहाल हो रही हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें कक्ष में आने की अनुमति दी। कक्ष में आते ही मैना सुनबाई और पीरता सुनबाई आकर मुझसे लिपट गई। सासू माँ, हमें बचा लो, हमें मरने से डर लगता है, हमें आपके पास रख लो। उनका विलाप मेरे पहले से ही आहत हृदय को और अधिक बींद गया। तभी मैना और पीरता भयभीत हो कांपती आवाज में बोली, सासू माँ, हम सती होना नहीं चाहती, आप ही बताइए, स्वामी की मृत्यु में हमारा क्या दोष? हमें जलने से डर लगता है, हमें जीवित ही आग में क्यों झुलसाया जा रहा है? तभी मेरे संधि बाग साहेब बोले, रानी साहेब, पति के साथ सती होना तो पत्नी का धर्म है,
इनको अपना धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। मैंने व्यथित हृदय से कहा, जरा इन छोटी छोटी बालिकाओं की ओर देखिए तो सही, अभी इन्होंने दुनिया ठीक से देखी भी नहीं है, जिंदगी की धूप तक महसूस नहीं की है। ये कोमल बालिकाएं लप लपाती ज्वालाओं की लपटों को कैसे सह पाएंगी? आखिर क्या कसूर है इनका? तभी आवेश में आकर मेरे दूसरे समधी बहार जी बोले, आपने तो अपना धर्म नहीं निभाया तो न सही, पर हमारी बेटियों को तो निभाने दें। मैं पहले ही पुत्र वियोग में आहत थी, उन पर उनके शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह पीड़ा दे रहे थे। फिर भी मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आप इन बच्चियों को विवश न करें, इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। हरकोबाई सासू माँ ने भी कहा कि वे इस तरह धर्म की आड़ लेकर उन बच्चियों के साथ जुल्म न करें, लेकिन दोनों समधी मैना सुनबाई और पीरता सुनबाई को खींचते हुए वहाँ से उनकी भयचकित आशा भरी नजरें मुझे बीनती रहीं। अंत यात्रा में मालेराव के पार्थिव शरीर के पीछे सारा सती का श्रृंगार किए, कपाल पर बड़ा सा लाल कुंकू लगाए, पीरता सुनबाई और मैना सुनबाई चल रही थी। उनके पीछे प्रजा सती की जय जयकार करती हुई चल रही थी। मालेराव की चिता सजाई गई थी और चिता पर दोनों बालिकाएं अपनी गोद में मालेराव का शरीर लेकर बैठी हुई थी। चिता की अग्नि मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ प्रज्वलित की गई। वाद्य और जोर जोर से बजने लगे। जैसे जैसे चिता की ज्वालाओं से निकली चिंगारियां आकाश को छू रही थी, वैसे वैसे चिता से हृदय विदारक चीखें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सारी आवाजें मंद पड़ने लगी। मेरा हृदय आक्रांत कर रहा था। ये कैसी अमानुष प्रथा थी, हे महादेव! समाज की इस अमानवीय रूढ़ी को किसी भी तरह से समाप्त कीजिए, बिना दोष के मासूम स्त्रियों को दंड न दीजिए। उदास और दुखी मन से घर लौट तो आए, पर उन निर्दोष बालिकाओं की चीखें अभी भी हृदय को टीस रही थी। मालेराव के निधन के बाद मन अत्यंत उदास था, परंतु राजकाज तो चलाना ही था। बाबा साहब जो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे, उस पर खरा उतर कर दिखाना था। श्रीमंत पेशवा जी भी चाहते थे राज्य मैं ही संभालूं, लेकिन मैं कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठी। मैंने अपना संपूर्ण राज्य शिव को अर्पित कर दिया था। मैं तो शिव सेविका थी। राज कार्य के साथ साथ मुझे प्रजा के हित के लिए भी सोचना था। राज्य की आय बढ़ानी थी। सभी के मन में इन दिनों होलकर राज्य के वारिस को लेकर प्रश्न उठने लगे थे। मुझे अधिक सतर्क रहना था। बाबा साहब के साथ शुरू के से साथ रहे दीवान गंगोवा तात्या की हलचल मन में अविश्वास जगा रही थी। इधर राजपुताना स्थित रामपुरा के चंद्रावत सिर उठाने लगे थे। उन्हें होलकर राज्य अस्थिर नजर आ रहा था। लक्ष्मण सिंह चंद्रावत रामपुरा में उपद्रव मचाने लगे। मैंने इस परिस्थिति पर विचार करते हुए दूसरा हल निकाला। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा मैं उनको
50,000 रुपये आय वाले 31 गांव दूंगी। अगर कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा के प्रमुख यह हवाला दें कि चंद्रावत अब उत्पात नहीं मचाएंगे, तब चंद्रावत जो गांव दे रहे थे उनमें किले बांधने की इजाज़त नहीं होगी। इधर राज्य का कामकाज देखते हुए मेरा दान धर्म भी चल रहा था। नर्मदा के दक्षिणी किनारे तक भीलों का आतंक था, राहगीरों में उनका भय व्याप्त था। भील लोगों को कैसे काबू किया जाए, इस विषय पर मैं मेरे अष्ट प्रधान मंडल और प्रमुख अधिकारियों से चर्चा कर रही थी। उनमें सर्वश्री गोविंद राव गानू, विसाजी देश पांडे, नारो शंकर, राजोरकर, शिवाजी गोपाल, मुकुंद राव और भारमल दादा होलकर आदि थे। बहुत सोचने के बाद मैंने दरबार में एक शर्त रख दी, अपने राज्य में ठग पेंडारी इनको जो भी काबू में लाएगा उस वीर पुरुष से मैं मेरी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। दरबार में कुछ देर शांतता रही। मैं चिंतित हो उठी, क्या मल्हार बाबा के राज्य में कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो राज्य को भील पेंडारियों के आतंक से मुक्ति दिला सके। तभी एक युवक उठ खड़ा हुआ, मुझे मुजरा करते हुए बोला, मातोश्री आपकी आज्ञा सिर माथे पर। मेरा नाम यशवंत फंड से है, मैं बीड़ा उठाता हूँ कि राज्य को ज़रूर पेंडारियों के आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा, पर इस कार्य को अंजाम देने के लिए मुझे कुछ सिपाही, हथियार और रसद चाहिए। आप विश्वास रखिए, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया था। उस युवक की तेजस्विता, ओज देख मुझे भी उसके बातों पर विश्वास हो गया। मैंने उसे यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। यशवंत मेरे चरण स्पर्श कर चले गए और सच ही कुछ दिनों में यशवंत राव फंडसे ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। हम सभी के सामूहिक प्रयत्नों से भीलों का आतंक राज्य से समाप्त हो गया था। जैसे ही यशवंतराव फंडसे ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, मैंने भी अपना वचन निभाया। मुक्ताबाई के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। विवाह में मुक्ताबाई के लिए अनेक प्रकार के सोना, माणिक, मोती, हीरे के दागिने बनवाए, बहुत से चांदी के बर्तन, 5 देव, चांदी के पाट, चौरंग, कलश कन्यादान में दिए। वर यशवंतराव फंडसे को तराना की जागीरदारी उपहार में दी। पूरी प्रजा को भोजन कराया गया, उनको वस्त्र उपहार में दिए, विद्वान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। उदाबाई साहेब, सीताबाई साहेब, हरकुबाई साहेब माँ ने भी बहुत सारे उपहार मुक्ता को दिए। मुक्ता के विदा होने से तो जैसे महल की रौनक ही चली गई, मन सूना हो गया। कभी मुक्ता के पायल की रुंझुन का आपास होता तो कभी उसकी चूड़ियों की खनक का। मैंने साधनहीन भीलों गोंडों के लिए जीविका निर्वाह के साधन जुटाए, जगह जगह उन्हीं की चौकियां स्थापित की, राहगीरों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी। अगर वे संरक्षण नहीं देते तो उन पर कवड़ी नामक दंड लगाया। कोई भील अगर किसी यात्री की संपत्ति लूट लेते
तो उन्हें पकड़कर संपत्ति वापस मालिक को सौंप दी जाती। इस तरह सूझबूझ से उनके प्रति दया भाव की वजह से भीलों का हृदय परिवर्तन हो गया था। आसपास के राज्यों के घरेलू विवाद भी मैं सुलझाने की कोशिश करती थी। मेरे दरबार में मैं सबको न्याय देना चाहती थी। न्याय के लिए जो भी आता उसके लिए मेरे दरबार के दरवाजे हमेशा खुले थे। घटना की पूरी जानकारी लेकर निशुल्क न्याय देना मेरे राज्य के प्रथा थी। मैं चाहती थी अपराधी को भी आत्म सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। मालेराव की मृत्यु के पश्चात मेरा मन उदास रहने लगा था। वारिस के प्रश्न का कोई फैसला नहीं हुआ था। मेरा मन चाहने लगा था माँ नर्मदा के आश्रय तले रहूं ताकि चित्त को थोड़ा स्थिर रख सकूं। इन दिनों पड़ोसी राजाओं नवाबों में परस्पर फूट थी। मैंने होलकर राज्य के गांवों में परस्पर पट्टा बनेटी तलवारबाजी भाले बर्छी द्वारा लक्ष्यभेदन आदि युद्ध कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देना शुरू किया। महिलाओं को भी अस्त्र शस्त्र विद्या से संस्कारित करके उनकी भी सेना गठित की। अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अनेक स्वतंत्र राज्यों में अपने राजदूत नियुक्त किए। इधर देश में अंग्रेजों के कदम भी बढ़ते ही जा रहे थे। आशंका होती थी कि धीरे धीरे ये देश में अपना प्रभुत्व न स्थापित कर लें। मैंने निश्चय किया है कि हमारी सेना को भी पाश्चात्य पद्धति की सैन्य शिक्षा दी जाए। 1,000 सैनिकों को पाश्चात्य युद्ध पारंगत बनाने की योजना शुरू की। होलकरी सेना के कप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर तथा पलटनों को बारी बारी से नियमित सैन्य शिक्षा दी जाने लगी। सैनिकों के लिए हथियार पोशाक कमरबंद फोल्डर तथा संगीनदारी बंदूकों की खरीदी की। होलकर राज्य की वार्षिक आय 75 लाख से बढ़कर 1.25 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। मैं अपनी राजधानी नर्मदा किनारे बसाना चाहती थी ताकि अपनी दिनचर्या माँ नर्मदा के दर्शन के साथ शुरू कर सकूं। नर्मदा किनारे बसे महेश्वर का विस्तृत पाट और घना जंगल था। बाबा साहब ने वही एक हवेली भी बनाई थी। इन सब विशेषताओं को देखकर मैंने राज ज्योतिषियों से इस संदर्भ में विचार विनिमय किया और सर्वानुमति से महेश्वर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। प्राचीन साहित्य में महेश्वर को महिष्मती के रूप में जाना जाता था। रामायण महाभारत पुराण धर्मग्रंथ और मशहूर यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में सर्वत्र महेश्वर नगरी का वर्णन था। मैंने पुरानी हवेली की मरम्मत करवाई और अंदर थोड़ी ऊंचाई पर एक साधारण से हवेली और बनवाई जहां से नर्मदा के दर्शन किए जा सकते थे। मैंने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर महेश्वर में बसा ली। एक साधारण सा दरबार बनाया जहां मैं सफ़ेद कंबल पर बैठकर दरबारियों से विचार विमर्श करती। एक हिस्से में मैंने पूजा गृह बनाया। यहां से मैं माँ नर्मदा और बाणेश्वर महादेव के दर्शन कर सकती थी। पूजा घर में चंदन का देवारा बनाया।
भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए चांदी के पाट बनवाए, शिव जी के चार टाक, चांदी की शिवपिंड, एक बड़ा चांदी का शिवलिंग जिस पर शेषनाग का छत्र था, कुल देवता मंदारे मार्तन का टाक स्थापित किए, पूजा के सारे बर्तन चांदी के रखे। इसके अलावा बाल कृष्ण के लिए सुवर्ण पालना रखा, उसमें एक शंख रखा, जाप करने के लिए नवरत्न की माला और नवरत्न के महादेव स्थापित किए। अब नित्य ही मंदिर में होम हवन, ग्रंथ पाठन और नृत्योच्चार के पवित्र स्वर गूंजने लगे। होम हवन के पवित्र धुएं ने महेश्वर को पवित्र नगरी का पर्याय बना दिया। महेश्वर नर्मदा के तीर पर बसा हुआ था। नर्मदा हमारे देश की सात प्रमुख नदियों में से एक है। इसके अलावा अलग अलग तीरों पर अलग अलग तीर्थ स्थान हैं। कई लोगों ने नर्मदा की परिक्रमा भी शुरू कर दी थी। विशाल होलकर राजा का प्रशासन में अपनी संपूर्ण निष्ठा से संभाल रही थी। मेरी दिनचर्या ईश्वर भक्ति को समर्पित थी। मैं सूर्योदय के पहले जागकर नर्मदा स्नान कर कामधेनु गाय का पूजन करती, कुल देवता मल्लारी मार्तंड गौरी शंकर की आरती करती, प्रतिदिन पुराण कथा श्रवण करती, उपस्थित ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोज कराती। विशेष अवसरों पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर तो ब्राह्मणों की संख्या 10,000 तक हो जाती। सभी को दान दक्षिणा भोजन विधि पूर्वक चलता ही रहता। श्रावण मास में तो पूरे महीने महेश्वर से ओंकारेश्वर तक ब्राह्मणों संतों श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता। मैंने सारे देश से चुनकर श्रेष्ठ विद्वान धर्माचार्य ज्योतिषी कीर्तनकार कलाकार कुशल कारीगर इनको सम्मानपूर्वक बुलाकर उनको महेश्वर में बसा दिया, उन्हें राज्याश्रय दिया, संस्कृत पाठशाला शुरू करवाई, मंदिरों में पूजा पाठ करने हेतु कई पुजारियों को नियुक्त किया, राजकार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिनिधि मंडल राजदूत वकील नियुक्त किए। फिर मैंने बुनकरों को महेश्वर में रोजगार दिया। महेश्वरी साड़ियों की ख्याति देश भर में फैल गई। हजारों बुनकरों को रोजगार मिल गया। मैं भी उनसे साड़ियाँ और वस्त्र खरीदती और जो भी अतिथि हवेली में रुकते उन्हें महेश्वरी वस्त्र उपहार में देती। महेश्वर अब व्यापार का केंद्र बन गया था। नर्मदा तीर पर अनेक विशाल घाट बनवाए ताकि प्रजा समीप से नर्मदा माँ के दर्शन कर सके। अन्न छत्र खुलवा दिए ताकि प्रजा का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मैं चाहती थी पूरे देश में तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उन्हें ठहरने को धर्मशाला मिले, राहगीरों को राह में विश्राम करने छायादार वृक्ष हों, पीने के लिए प्याऊ हों, कुएं हों, बावली हों।